नमो लो ये सभ्यताशन मंगलाम वै मंगल नमो दुर्वार रागादी वैरी वार निवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनी वियाण जग गुरु जग आनंद जगनाहो जग बंधु जय जग भिया महो भैव जय सुवाण बभवो तिथैराणपछिमो जय गुरुलोकाण जय महाब्बा महावीरो ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं श्रीय पौमा वै पमोनिसेविय पाय ओं क्लीं ब्रह्म सिद्धिं करेव श्रीपाद जगन्नाथो अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानं जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज से नए सब्जेक्ट पर प्रवचन शुरू होने जा रहा है। सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेस रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेस रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजी पूरे दिन भर तक मन में स्ट्रेस रहता है, नॉट ड्यू टू प्रेजेंट बट ड्यू टू फ्यूचर। कल क्या होगा, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे संबंध की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे हम कितना भी बचना चाहे, मगर दिमाग में फ्यूचर की सोच आए बिना रहती नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जब भी हम फ्यूचर की सोच करते तब पॉजिटिव सोच नहीं करते, हमेशा नेगेटिव सोच ही तो करते हैं। आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, 100% कल अच्छा ही रहेगा, ये मन नहीं सोचता है। आज तो सब ठीक चल रहा है, कल क्या होगा, ये है स्ट्रेस। नेगेटिविटी 24 घंटे तक दिमाग में बैठी रहती है और उनको लेकर के कहीं चैन की अनुभूति नहीं होती है। चाहे वो स्ट्रेस आपके जीवन का हो, चाहे मेरे जीवन का हो, उनसे मुक्त कैसे हो सकते हैं और उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उनकी 3-4 बात आज आपके सामने रखना चाहूँगा। स्ट्रेस मुक्त होने के लिए 4 महत्वपूर्ण कंडीशन है। आज के प्रवचन में 4 में से जितनी बात होगी उतनी कर लूँगा। नंबर 1, टेक एवरीथिंग लाइट। फिर से बताना चाहता हूँ, टेक एवरीथिंग लाइट। समस्या मेरे हाथ में नहीं है, मैं रिपीट करना चाहूँगा, घटना मेरे हाथ में नहीं है,
अर्थ गठन मेरे हाथ में है, घटना को मैं रोक नहीं सकता हूँ, मगर इंटरप्रिटेशन में क्या करना चाहता हूँ मेरे बस की बात है। कोरोना है, बिजनेस में मंदी है, स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, सब कुछ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रियलिटी को तुम निगलेक्ट करो, रियलिटी है, मगर वो रियलिटी को बड़ी करना छोटी करना जो मन का काम है। तो मैं इतना ही कहूँगा, थोड़े मन को समझा दो और टेक एवरीथिंग लाइट, हम ले सकते हैं। मेरे जीवन में ऐसा प्रसंग कई बने और हजारों लोगों के जीवन में भी मैंने ऐसे प्रसंग देखे कि जिनको लेकर के दुनिया को लगता था दुख बहुत भारी है। मैं बताऊं, गीतांजलि में मैंने बताया था, फिर भी आज दो बात पहले आपके सामने कर दूं, मेरे से ज़्यादा किसके पास है, ये बहुत बार देखा, मगर मेरे पास अभी जो है वो किन किन लोगों के पास नहीं, एक बार चेक कर लो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मेरे से कितने लोगों के पास ज़्यादा है वो तो बहुत बार चेक कर लिया, मगर आज मेरे पास है वो कितने लोगों के पास नहीं, एक बार तुम चेक कर लो, और तब लगेगा कि शिकायत करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। थैंक्स 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 ओनली थैंक्स। और उसको लेकर के आज आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, जब भी मैं याद करता हूँ आँख गिली हो जाती है। गीतांजलि के प्रवचन में मैंने बताया था, फिर भी आज मैं कहना चाहता हूँ, स्ट्रेस से मुक्त होना किसी के बस की बात नहीं है। बस सिर्फ सोच बदल दो, स्ट्रेस को या तो ख़त्म कर सकते हो या स्ट्रेस को तुम हल्केपन से ले सकते हो। श्रीपाल नगर में मैं था, बम्बई में गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा की पावन निश्रा में उद्दान तप की आराधना चल रही थी। रोज प्रवचन में समय पे आने वाला एक लड़का प्रवचन में आया ही नहीं। तीन चार दिन के बाद आया तो उनको पूछा, दोस्त बाहर गया था क्या? बाहर नहीं गया था गुरुदेव। ऐसा हादसा जिंदगी में देखा गुरुदेव, मेरे मन से मैं कल्पना भी कर सकता हूं तो कभी कल्पना भी छोटी पड़ जाती है, ऐसा हादसा मैं देख के आया। मेरे मित्र के पिताजी का हार्ट फेल हो गया और मित्र के नाते उनकी शमशान यात्रा में जाने के लिए घर से निकल गया। करीबन 10 बजे शमशान यात्रा अर्थी निकलने वाली थी, पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका था और अर्थी जैसे ही निकली, गुरुदेव मैं गवाह हूँ, मेरी आंखों के सामने मैंने जो देखा, शायद आपको भी मानने के लिए मन नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, मगर जो हुआ मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। अर्थी उठी, चार कंधे पे अर्थी जैसी उठी और घर से बाहर निकलने के पहले मेरे मित्र की माँ को सीवियर अटैक आया, माँ शांत हो गई। न डॉक्टर को बुलाने का मौका मिला, धड़कन टोटली बंद, अर्थी नीचे रख दी। जो रोना धोना था, जिनको रोना धोना आता था, सबने रो लिया, मगर स्वीकार करना जरूरी था। अंदर मीटिंग हुई, क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं, एक अर्थी निकली दूसरी साथ में निकालेंगे, अर्थी का सामान जुटाओ। और अर्थी का सामान जुटाने के लिए फोन किया, जिंदगी में भगवान करे ऐसा प्रसंग, प्रकृति करे कर्म करे ऐसा प्रसंग जिंदगी में किसी के घर में ना आवे। और गुरुदेव एक अर्थी के बाद सामान आ गया, उनकी मम्मी की दूसरी अर्थी तैयार हो गई और अर्थी निकालने की बात आई, तब गुजराती माँ जेने के भाई फैबा पिताजी ने बहन गुरुदेव बाहर से आए थे तो सब, और अब विश्वास नहीं कर पाएंगे गुरुदेव, वो जो बुआ थी वो लेटरिन गई थी, तीसरी मंजिल पे लेटरिन था, तीसरी मंजिल पे वो रहते थे, और तीसरी मंजिल पे लेटरिन जाने के बाद क्या मालूम क्या हुआ,
लेट्रिन का जो हिस्सा था वो गिर गया, टूट गया और सीधी नीचे लेट्रिन में ही लेट्रिन में उनकी डेथ हो गई। गुरुदेव डेड बॉडी निकाली, शी वॉज अबाउट 40। यहां पिताजी, यहां मां और यहां बुआ। करे तो भी क्या करे, तीसरी अर्थी का सामान मंगवाया गुरुदेव, पूरा बिल्डिंग रो रहा था। सोच नहीं पाते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, एक दो और तीन। और उनका जो भी डॉक्टर को बुलाना था, जो कुछ भी करना था, सब कुछ करके तीसरी अर्थी तैयार करके निकल रही थी गुरुदेव। उसी टाइम लड़के की बड़ी बहन, उसने एक दो और तीन अर्थी खुद के सामने देखी, हैरान हो गई, इतनी चिल्लाई, उसने किसी के हाथ पकड़ लिए। हाथ तो पकड़ लिया मगर गुरुदेव क्या हुआ, हाथ पकड़ने के बाद इतना टेंशन में वो लड़की थी गुरुदेव, लड़की गिर गई फर्श पे, लड़की गिरी, सर टकरा गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, वो भी खत्म हो गई। चार मौत गुरुदेव एक ही घर में, 9 बजे 10 बजे गुरुदेव अर्थी निकलने वाली थी, 10 11 12 एक दो और तीन सब निपटाते निपटाते। और वो लड़के के जो चाचा थे और लड़की की एक छोटी बहन थी, और हादसा न हो जाए उनके लिए, ऐसे माहौल के बीच में वो चाचा ने वो मेरे मित्र की बहन को पकड़ करके नीचे ले गए और गाड़ी में ले गए चौपाटी के पास। उनको लगा जो कुछ भी होगा इस लड़की को तो मैं अर्थी नहीं देखने दूंगा। चार अर्थी अपने घर में से निकले, छोटी 16-17 साल की प्यारी बेटी कैसे देख पाएंगी, और वो बहुत चिल्लाई, चाचा मुझे घर में रखो, मैं देखना चाहती हूँ मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, सबको मैं अंतिम विदाई देना चाहती हूँ। चाचा ने बड़ी मुश्किल से कैद करके उनको गाड़ी में बिठा दिया। और आपने सी फेस देखा होगा मरीन ड्राइव का, ये लड़के जो बता रहा है मुझे लगा कि सिनेमा की स्क्रिप्ट चल रही है। गुरुदेव यही सी फेस बैंड स्टैंड से मरीन ड्राइव तक जाता था, और चाचा ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, भरोसा था लड़की कुछ नहीं कर पाएंगी, लड़की को बैक सीट ड्राइविंग में पीछे बिठा दिया था। और क्या मालूम 16 साल की लड़की को गुरुदेव क्या हुआ, चालू टॉप गियर में गाड़ी चल रही थी, गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, लड़की दरवाजे से बाहर आई, रास्ते पे गिर गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, लड़की खत्म हो गई। गुरुदेव 5 अर्थी की स्मशान यात्रा देख के आया हूं। आंखों के सामने गुरुदेव वो दृश्य आता है, चाहे कोई ये कथा बनाना चाहे तो भी कथा कल्पना से नहीं बना पाए, मैं रियलिटी गुरुदेव देख के आया। आई वुड लाइक टू आस्क यू टेक लाइटली, ऐसे प्रसंग को आंखों के सामने रखकर के एक बार खुद को पूछो, भगवान इतना तो मेरे पे दुख नहीं आया है। मैं एक रिपीट करना चाहूंगा, स्ट्रेस मुक्त होना तो एक काम करो, दुखे दुखाधिकम पश्य। जिंदगी का श्रेष्ठतम सूत्र आपको कहना चाहता हूं, दुखे दुखाधिकम पश्य। जब भी आपके जीवन में दुख आवे तब आपसे अधिक दुखी को एक बार आंखों के सामने रखो। मैं ये नहीं कहता हूँ उनके अधिक को दुख को देख करके तुम खुश हो जाओ, मगर भगवान को बोलो, भगवान अभी इतना तो दुख मेरे पर नहीं आया है। मान लिया कि कोरोना के माहौल में शायद तुमने तुम्हारे पिताजी गंवाए, शायद तुम्हारी माँ चली गई, शायद तुम्हारा बेटा तुम्हारी पत्नी भी चली गई, फिर भी ये 5 की मौत जैसे हुई, एक बार उनको आंखों के सामने रखो और खुद को पूछो, भगवान क्या इतना दुख मेरे पे आया है। टेक लाइटली, और जब भी मन में स्ट्रेस आ जाए तो 2 चीज आप आंखों के सामने रखो, भरोसा रखो, 1 अंडरस्टैंडिंग एंड 2 टाइम। 1 इज द अंडरस्टैंडिंग और 2 टाइम।
बाई डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन, बाई डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। पानी की बाल्टी में जब बहुत कचरा होता है और पानी को तुम कचरे से मुक्त करना चाहते हो, तब इनके लिए दो ही चीज है, या तो अंडरस्टैंडिंग कर लो कि ये कचरा रहेगा पानी में, और दूसरा नंबर यू डोंट डू एनीथिंग। आप एक और आ जाओ, पानी की बाल्टी को देखते चलो, कचरे का स्वभाव है बैठ जाने का नीचे, और धीरे 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 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद कचरा अपने आप से बैठ जाएगा और तुम्हें लगेगा जैसा पानी में चाहता था ऐसा पानी मुझे मिल गया। बाई डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन, आप कुछ नहीं करते हो सब कुछ अपने आप से ठीक हो जाता है। नंबर एक, दुखे दुखाधिकम पश्य, जब भी आपके जिन में दुख आ जाए तब अधिक दुखी को हो सकता है। आपकी इनकम बंद हो गई, कई लोगों की कैपिटल खत्म हो गई है, आपको ये चिंता है कि गुरुदेव आने वाले दिनों में इनकम ही नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा। आज हजारों परिवार ऐसे कि जिनको ये चिंता है, गुरुदेव कैपिटल ही खत्म हो गई, अब जाए तो कहाँ जाए। तुम इनकम को रोते हो, मैं बोलता हूं कैपिटल वाले की तो सोचो। और यदि ये लॉकडाउन में बाजार बंद हो गए, व्यापारी लोग ये सोचते कि हमारी इनकम का क्या होगा, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि व्यापारी के घर पे आने वाले जो नौकर है, जिनकी सैलरी आप नौकरी करते तो ही मिलती है, उन सभी का क्या होगा, एक बार तो तुम चेक कर लो। मैं रिपीट करना चाहता हूं, कई पिताजी कई माँ ये कोरोना के माहौल में मेरे पास आकर के आँख में आंसू के साथ कन्फेस किया है, गुरुदेव 12-12 महीने से बेटे को न दूध दिया है न सब्जी दिया है। मैं बताऊं, एक लड़के को माँ ने पूछा था, माँ ने ही लड़के को पूछा था, बेटा सब्जी कौन सी बनाऊं, माँ भिंडी बना देना, ठीक है। और शाम को जब लड़का खाने के लिए बैठा, सब्जी तो थी ही नहीं, माँ भिंडी नहीं बनाई। और दूसरे दिन हुआ तो बेटे को माँ ने फिर से पूछा, आज सब्जी कौन सी बनाऊं, और बेटे ने दूसरा नाम दिया, आज ये दूधी काले भिंडा परम से गलका पछी तुरिया। 10 दिन तक माँ पूछी थी चली, और बेटा अलग अलग सब्जी का नाम बताते चला, थाली में सब्जी आई ही नहीं, और माँ को पीड़ा हुई नहीं देने के हिसाब से। इससे ज्यादा छोटा बेटा था, उसने माँ को पूछ लिया, माँ रोज पूछती है सब्जी कौन सी बनाऊँ कौन सी बनाऊँ कौन सी बनाऊँ, मैं नया नया नाम देता तो हूँ मगर थाली में कभी सब्जी आती ही नहीं है, माँ रीजन बता पाएंगी, तू देना नहीं चाहती तो पूछती क्यों है, और पूछती है तो मुझे देना देती क्यों नहीं है। माँ ने अपने साड़ी का पल्लू लखा आँख से लगाकर पोछा, और पोछने के बाद इतना ही कहा, बेटा सब्जी का नाम मैं इसलिए तुझे पूछती हूँ कि तुझे याद रहे कि हिंदुस्तान में कभी ये भी सब्जी होती थी, महंगाई इतनी है मैं तुझे कभी सब्जी खिला नहीं पाऊंगी। खाली तने शाकभाजी ना नाम याद रहे बेटा, एटला माटे कहू छू, बाकी थाड़ी में शाकभाजी नहीं आवी सके। स्ट्रेस मुक्त होने का पहले विकल्प दुखे दुखाधिकम पश्य, दूसरा विकल्प दुखे दुखाधिक्यम पश्य। दुखाधिकम माने दूसरा आपसे ज्यादा दुखी है उनको देखो, और नंबर दो आप पर इतना दुख है उससे भी ज्यादा दुख आ सकता था वो देखो। दुखे दुखाधिकम माने आपसे ज्यादा दुखी को देखो, और नंबर दो आपको खुद को एक बार चेक कर लो, मेरे पर इनसे भी ज्यादा दुख आ सकता था, अभी तक आया नहीं। इनकम बंद हो गई है मगर अभी तक मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार जिंदा है, मेरे स्वजन जिंदा है, मेरा बिजनेस बराबर है, मेरा माल बराबर है, बाजार में मेरी गुडविल बराबर है, एवरीथिंग इज गुड गोइंग।
नंबर एक दुखे दुखाधिकम पश्य, नंबर दो दुखे दुखाधिकम पश्य, नंबर दो नंबर तीन दुखे दुख फलम पश्य। एक बार तुम दुखे दुख में दुख का क्या फल क्या हो सकता है? आज आने वाले दुखों के सामने नया दुख मैं रिजर्व करूंगा या दुख को खत्म कर दूंगा? यदि तुमने असमाधि कर दी, तुमने संकलेश किया, नया दुख तुमने बुकिंग कर दिया, एक दुख को खत्म करो, नए दुख को रिजर्व करने की गलती कभी मत करो। नंबर वन दुखे दुखाधिकम पश्य, नंबर दो दुखे दुखाधिकम पश्य, नंबर तीन दुखे दुख मूलम पश्य दुख फलम पश्य, और नंबर तीन दुखे दुख मूलम पश्य। रूट पकड़ो, मेरी आजू में बाजू में ऊपर में नीचे में किसी पर दुख नहीं आया, मेरे पे दुख क्यों आया? दुखे दुख मूलम पश्य, दुख का रीजन पकड़ लो। मेरे पर ही दुख क्यों आया? कहीं ना कहीं किसी जन्म में कहीं ना कहीं मेरे से गलती हो चुकी है और उनको छोड़ के मेरे पे दुख नहीं आता है। नंबर वन, स्ट्रेस मुक्त होने का श्रेष्ठ विकल्प मैं मेरी बात बताऊं, थोड़ी ईगो के हिसाब से नहीं कहना चाहता हूं, मगर गुरुदेव ने मुझे जो सिखाया समझाया उसको लेकर के मैं कैसे समाधान दुखों के बीच में करता चलता हूं। करीबन 25-27 साल पहले माटुंगा में मेरा चातुर्मास था और बड़ी पीड़ा हुई दांत की, अनबेरेबल, और उसी टाइम गौतम स्वामी जी की पांचवी पीठिका की मेरी आराधना चलती थी। 16 दिन काम्बिल था, बड़ी मुश्किल के साथ वो तप पूर्ण तो किया, मगर वो तप पूर्ण करने के बाद मैं दादर गया, न पानी जाता था न भोजन जाता था, पूरे दिन भर तक पेन 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 रहता था। डॉक्टर के पास गया, RCT रूट कैनाल कराया, 27 साल के पहले की बात, और रूट कैनाल कर दी, सब कुछ ठीक हो गया। बाहर निकलने के पहले मैंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर इस रूट कैनाल का चार्ज क्या लेते हैं? डॉक्टर ने बोला, मानस साहब कहाँ आपको पैसा चुकाना है? बोला, निश्चित, मगर मैं भगवान महावीर का मुनि हूँ, इस वस्त्र देकर के गुरुदेव ने सब कुछ कमाल कर दिया है, मगर मैं जानना जो चाहता हूँ कि इस रूट कैनाल का यदि दूसरा कोई आदमी आया आप उनके पास चार्ज कितना लेते हो? डॉक्टर ने बोला 3500 रुपया। मैं माटुंगा गया और पूरे रात भर तक ये 3500 रुपया मेरी आंखों के सामने आते चले, मैं करवट बदलते चला, सो नहीं पाया। मुझे लगा ये 3500 रुपया ये तो प्रसूति जैसी वेदना होती है, जब पेन होता है दांत में तब चौपड़पट्टी में रहने वाला कोई गरीब आदमी यदि उनको ये हुआ तो वो 3500 कहाँ से बैर कर पाएगा, कहाँ से लाएगा? एक महीने का उनका तनख्वाह सैलरी 3500 किसको बोलते, और ये तो 100% उनको खरा नहीं पड़ता है, कर्जा लेगा, लोन लेगा, कुछ भी करेगा। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। हजारों साधर्मी को ऐसे होगी जिनके पास ये व्यवस्था नहीं होगी। और दूसरे दिन माटुंगा श्री संघ के ट्रस्टी को बुलाया, वहाँ एक युवा था जिनका नाम था महेश भाई, वो टाइम सक्रिय थे, आज शांत हो गए। मैंने कहा, महेश भाई हम कुछ करना चाहते हैं। पूरी रात भर तक 3500 रुपया घूमते चला, मैं सो नहीं पाया हूँ, गरीब साधर्मी कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं उनके पास। और महेश भाई और पूरी टीम ने मुझे कहा, गुरुदेव आपके साथ है, आप कुछ भी करो। और उसी एक मेरी RCT की बड़ी वेदना के बीच में 3500 रुपया के चक्कर में मेरे मन में जो ख्याल आया संघ के बीच में मैंने रखा, माटुंगा के मूल नायक भगवान देव वासुपूज्य स्वामी, मैंने इतना कहा हम वासुपूज्य स्वामी फाउंडेशन की स्थापना कर दे, और ये फाउंडेशन के माध्यम से पूरे जैन साधर्मिकों को जहाँ जहाँ भी कोई रिक्वायरमेंट हो
उनको सभी को इनका लाभ मिले। परमात्मा वासुदेव की परम कृपा, अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सिंह का परम आशीर्वाद, संघ की मंगल कामना और गुरुदेव ने दिए हुए संस्कार, दुखे दुखाधिकम पश्य, तेरा दुख क्या है, दूसरे वाले को दुख को कभी तो याद करके देख ले क्या हो सकता है। और वो फाउंडेशन की स्थापना होने के बाद ये रूट था, फिर पेड़ बन गया, पेड़ बनते 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 आज वो स्थिति आई। 27 साल के पहले एक फाउंडेशन की स्थापना हुई, फिर कुंतुनाथ स्वामी फाउंडेशन सांताक्रूज में, आदिनाथ फाउंडेशन सूरत में, संभवनाथ फाउंडेशन पंकज सोसाइटी अहमदाबाद में, अलग 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 बम्बई में करीबन 30 फाउंडेशन की स्थापना। और आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, हर फाउंडेशन को लेकर के एक साल में सिर्फ बम्बई में 16 करोड़ रुपया जैन साधर्मिकों के लिए बांटने का शुरू हो गया। दुखे दुखाधिकम पश्य, आज फिर से मैं अपने कहना चाहता हूँ, 6 महीने के पहले गीतांजलि में प्रवचन करने के बाद तुम चमके बरसे, लाखों करोड़ों रुपया तुमने दे दिया और कई साधर्मिकों के आंसू पोंछे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों के पास FD बची है उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, फिर से आज आपके सामने एक मौका आ रहा है। ये मौका अच्छा है मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रकृति ने दिया ही है। आपके दुखों को देखे बिना दूसरे के दुखों को एक बार आंखों के सामने लाओ। गुरुदेव इनकम बन हो गई, मगर कैपिटल जिनकी टूटी है, वन रूम किचन में जोग लेते, जिनके बेटे को 4 डिग्री बुखार होगा, जिनके पिताजी को कोरोना होगा, वो क्वारंटाइन करेंगे तो कहाँ करेंगे, एक ही तो कमरा है, कहाँ जाएंगे। एक बार उन लोगों के आंखों के सामने लाओ। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आपकी FD तोड़ने की तुम्हारी ताकत है तोड़ दो, मगर किसी की दुख को तोड़ने का पाप कभी मत करो, बचाओ, जितना हो सके उनको बचाओ। फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लिखना है तो लिख दो, लिखना है तो आपकी नोट में लिख दो, अंते तो तू चित्ता आग भड़को धुमाड़ू ने राख, फरीबा अंते तो तू चित्ता आग भड़को धुमाड़ो अने राख। तमारा 5 विकल्प छे, खाली 5, જ્યાં સુધી શ્વાસ ચાલે ત્યાં સુધી વાત પૂરી થઈ ગઈ, જે દિવસે એક્સપાયર ડેટ આવીને પ્રોગ્રામ પૂરો થયો પછી 5 ચીજ, અંતે તો તું ચિતા આગ ભડકો ધુમાડો અને રાખ, તો હવે તારી ખુમારી તારી પાસે રાખ, તો વર્તમાનની તારી ખુમારી ખાલી તારી પાસે રાખી દે, અંતે તું ચિત્તા આગ ભડકો ધુમાડો ને રાખ, અત્યારની તારી ખુમારી ખાલી તારી પાસે રાખી દે, દુખે દુખાધિકમ પશ્ય, દુખે દુખાધિક્યમ પશ્ય, દુખે દુઃખ ફલમ પશ્ય, દુખે દુઃખ મૂલમ પશ્ય, एक बार आंखों के सामने इसी बहनों को तुम ले लोगी जिसके पास मर्यादा को रखने के लिए कपड़े नहीं है, राजकोट में भगत पेंडा वाला है, बरसों मैंने 2045 की साल में जब मैंने राजकोट में शिविर की दीदी बोलर का मेरे पास आता था, फिर मैं राजकोट जाने का कभी कम शायद मौका नहीं मिला, और वो आज परिचय में भी कम से बहुत कम है, मगर वो टाइम मैंने पूछा था, भगत पेंडा वाला इनके नाम से वो प्रसिद्ध है आज भी, और मैंने पूछा था ये इतना बड़ा राज, अपनी दुकान में उसने व्यवस्था बनाई थी कि दुकान का कोई भी आदमी बीमार होगा वो घर पे नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, उनकी पूरी ट्रीटमेंट वहीं होगी, ये सब कुछ फिर कभी मैं बताऊंगा। मगर मैंने जो पहली बार पूछा था कि ये व्यवस्था दुकान के नौकरों के लिए करने के पीछे तुम्हारा राज क्या है गुरुदेव, क्या हुआ था मालूम है, मेरे पिताजी बरसों पहले, ये तो गुरुदेव आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया, वो टाइम इतना बड़ा एम्पायर नहीं था, फेरी करते थे
और पेंडा लेकर के गुरुदेव बिजनेस तो जाऊंगा, डिमांड नहीं होगी वहीं तो माल लेके जाएंगे। एक गरीब एरिया में पेंडा लेके पिताजी गए और पेंडा लो आवाज निकाली। एक झोपड़पट्टी में से एक छोटा सा लड़का आया दौड़ते दौड़ते, मुझे पेंडा दो पैसा। वो लड़का अपनी माँ को झोपड़पट्टी से लेके आया, मम्मी मुझे पेंडा खाना है। माँ ने बोला कहाँ पैसा कहाँ है पेंडे का, छोटा लड़का कहाँ। माँ ने रोया, मम्मी पेंडा पेंडे के लिए रुपया। और ये भगत पेंडा वाला बोलता है कि गुरुदेव मेरे पिताजी वहीं खड़े थे, क्योंकि उनको बिजनेस हो रहा था, मालूम था कि मम्मी कहाँ से भी पैसा लाएगी और मेरा पेंडा खप जाएगा। 2 मिनट 3 मिनट लगी और माँ ने बेटे को बहुत समझाया, बेटा नहीं है अपने पास पैसा, नहीं है नहीं है। समझाने के बाद भी नहीं समझा, माँ ने जोर से चाटा मार दिया। 2 चाटा काल पे मारा, बेटा रोते रहा। और गुरुदेव मेरे पिताजी ने जिंदगी भर का नियम बना दिया, किसी की आंख के आंसू पर मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं लाऊंगा कभी। 3 बात तुमने कही दू, बीजाना नुकसान ऊपर लाभ लेता नहीं, बीजाना दुख ऊपर तमे सुखी थता नहीं, અને બીજાના રુદન ઉપર તમારા ચહેરા ઉપર અસ્મિત લાવતા નહીં। પ્લીઝ 3 સે બચો, દૂસરે કા નુકસાન આપકા લાભ ન હો, દૂસરે કા દુઃખ આપકા સુખ ન હો, અ દૂસરે કે આંસુ આપકા સ્માઇલ ન હો। અ ગુરુદેવ ઉસી દિન સે પિતાજીને જિંદગી ભર કે પચકાણ કિયે, આજ સે લેકર કે એસે એરિયા મેં કભી ભી નહીં જાઉંગા, चाहे बिजनेस कम हो जाएगा तो चलेगा, मगर ये जो कम अभी से कभी नहीं करूंगा। और एक राय आज आपको देना चाहता हूं, रेगिस्तान में पानी मिलता है ना, रेगिस्तान में पानी जब मिलता है ना तब उसी दिन आपको पता चला कि फागुन सुद पूनमी होली, और आपकी गर्लफ्रेंड भी आपके साथ है ना, तो रेगिस्तान में होली मनाने के लिए पानी का उपयोग नहीं करना। रेगिस्तान में पानी मिलता है तो पानी का उपयोग होली में नहीं, पानी का उपयोग स्नान में भी नहीं, पानी का उपयोग कपड़ा धोने में भी नहीं, पानी का उपयोग हाथ पैर धोने में भी नहीं, पानी का उपयोग स्पंच करने में भी नहीं, पानी का उपयोग बड़ी प्यास लगे तब भी जितना हो सके उतना कम। रिपीट करना चाहता हूँ, रेगिस्तान में पानी का सेविंग करेगा वही जिंदगी अपनी बचा पाएगा। आज कोरोना का जो माहौल है वो माहौल को लेके मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको पानी की जगह आप पैसे को ले लेना, बंद कर दो होटल में जाने का, बंद कर दो थिएटर में जाने का, बंद कर दो क्लब में जाने का, बंद कर दो मोबाइल से सनम बात करने का, बंद कर दो मिष्ठान नमकीन खाने का, बंद करो फैशन वाले कपड़े का, बंद कर दो ये चश्मे की फ्रेम का, बंद करो ये शूज और बूट लाने का, रुक जाओ। रेगिस्तान में पानी मिलता है तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पानी पी करके रेगिस्तान को क्रॉस कर देना चाहिए। आज के ये माहौल में फिजूल खर्च तुम बंद कर दो, मैं प्लीज गंभीरता से कहना, सेविंग करो, सेविंग करने वाला ही बचेगा, बाकी जिसने भी खर्च कर दिया गया काम से। इतनी अकल नहीं है तो मेरे पास, ये कोरोना के माहौल में मेरे बहुत कुछ प्रोग्राम हमने सब खत्म कर दिए, रुक गए एक जगह पे। आज मैं दाऊ में रुका हूं, आज प्रवचन के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पर प्रेम जिन जिन लोगों को है, मेरे पर ही नहीं किसी पर भी आपका यदि प्रेम है, आपके परिवार का किसी के प्रति आपका प्रेम है, इस टाइम रूबरू जाने की गलती मत करना, प्लीज रुक जाओ। कई बम्बई वाले आना चाहते, मैंने बोला प्लीज बम्बई वाले कोई नहीं आए, मैं तो दाणू वाले को भी बोल दिया है और दाणू वाले ने भी ये चीज स्वीकार कर लिया, गुरुदेव हम आपके पास बिल्कुल जरूर के बिना आएंगे नहीं, दूर से आकर के चले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी शिविंग करता हूँ अभी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कोरोना के माहौल को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, उनको कैसे मैनेज करना वही जरूरी है। आपके खर्च की कटौती करो, और 10 साल पहले अमेरिका का एक लड़का जिनका नाम आज पुणे में बेटा है, 20 साल पहले उनका नाम जनक,
बरसों तक अमेरिका में रहा और अमेरिका से जब इंडिया आया तब उसने मुझे बता दिया, गुरुदेव अमेरिका टूट गया और इंडिया बच गया, इनका कारण एक है, अमेरिका के पास गुरुदेव सेविंग की व्यवस्था नहीं है, इंडिया के पास सेविंग की व्यवस्था, यू हैव टू सेव। और तीन चीज बचा के रखना, यदि आप सेविंग करना चाहते हो तो दो तीन चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर वन, ऊर्जा को बचाए रखना, ऊर्जा माने आपकी एनर्जी, वेस्ट मत करना, एक ऊर्जा को बचाए रखो। नंबर दो, चाहे कितनी भी दिक्कत आवे आपके उत्साह को बचाए रखो। नंबर एक ऊर्जा, नंबर दो उत्साह, और नंबर तीन उत्तम, आपके पास जो भी गुड थॉट्स है, गुड एक्टिविटी है, आपके पास चैरिटी करने का भाव है, तीन चीज, ऊर्जा उत्साह और उत्तम, जितना सेविंग अभी करते चलेंगे ये कोरोना का माहौल तो निकल जाएगा। मैं ये क्या बताऊं, मैंने पहले बोला था, दिल्ली में भी बता दिया था, आज भी बताऊं, शायद आपको जोक्स लगेगा, मगर उसी जोक्स को लेकर के दिल्ली में करीबन कितने 14-15 साल के पहले सेक्स एजुकेशन को बैन कराने के माहौल में जब था ना, तब आरसी लाउट ने मुझे बता दिया, गुरुदेव कमाल कर दिया आपने, आई वाज अलोन, मगर एक घोषणा, ऊर्जा बचा दी, उत्साह बचा दिया, उत्तम बचा दिया, तीनों को बचा के मैं निकलता था। और तब आरसी लाउट ने मुझे पूछा था, गुरुदेव आप अकेले हो और पूरी अमेरिका के खिलाफ आपकी लड़ाई, आपको लगता है कि सफलता मिलेगी? मैं जिंदगी में कई ऐसे प्रश्न में मानसिक समाधान करते चलता हूं, उनमें तीन समाधान की बात मैंने पहले भी बताई थी, आज फिर से रिपीट करना चाहता हूं। ऐसे माहौल के बीच में हाउ वी आर गोइंग टू बी हैप्पी, हम स्वस्थ कैसे रह सकते, इनके लिए तीन कोटेशन खोपड़ी में बिठा दिया है। नंबर वन, यू डू वॉट यू कैन देन गॉड विल डू वॉट यू कैन नॉट, यू डू वॉट यू कैन देन गॉड विल डू वॉट यू कैन नॉट, नंबर एक। सेकंड नंबर, यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, गॉड विल टेक द केयर ऑफ एंड। नंबर दो, नंबर तीन, वेन वी हैव नॉट वॉट वी लाइक देन वी मस्ट लाइक वॉट वी हैव। फिर से, यू डू वॉट यू कैन देन गॉड विल डू वॉट यू कैन नॉट। नंबर टू, यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, गॉड विल टेक द केयर ऑफ एंड। और नंबर तीन, वेन वी हैव नॉट वॉट वी लाइक देन वी मस्ट लाइक वॉट वी हैव। तीन चीज को लेकर के मैं अपने जीवन को जम के चलाता हूं, बहुत कुछ दिक्कत आज भी है, बहुत कुछ है, दुखे दुखादि कंपस्य, और मैंने आरसी लाहौटी को एक दृष्टांत दिया था कि लाहौटी साहब रमेश चंद्र लाहौटी सुप्रीम के एफ चीफ जस्टिस इंदौर के लाहौटी साहब, ऐसा हुआ हाथी रास्ते पे जाता था और जाने वाले हाथी ने देखा कि हॉस्पिटल की कुर्सी पे एक छोटी सी चींटी बैठी थी, कुत्ता जाता था, कुत्ता रास्ते से एलसीएशन कुत्ता जा रहा था और उसने हॉस्पिटल की कुर्सी पर बैठी हुई चींटी को देखा और कुत्ता खड़ा रह गया। होगी पहचान, चींटी और कुत्ते की फ्रेंडशिप होगी, जो कुछ भी होगा। और कुत्ते ने चींटी को पूछा कि बहन समझ में नहीं आता है हॉस्पिटल की कुर्सी पे तू क्यों? चींटी ने कुत्ते को नजदीक बुला दिया और इतना ही कहा कि एक कारण है। तो कि क्या कारण है? तो कि हाथी का मेजर ऑपरेशन हो रहा है, कहीं खून की जरूरत पड़े मैं देने के लिए बैठी हूं। हाथी का मेजर ऑपरेशन हो रहा है, यदि खून की रिक्वायरमेंट हो तो मैं देने के लिए बैठी हूं। कहां कुत्ता, कहां चींटी, कहां हाथी? मैं रिपीट करना चाहता हूं, ये सिर्फ एग्जांपल है। हाथी को खून की रिक्वायरमेंट की, ये चींटी बोलती कि मैं देने के लिए बैठी हूं। शायद आप चींटी के माहौल पे बैठे हो, मगर आप इतना तय कर लेना, मेरे से ज्यादा दुखी कोई भी दिखाई पड़ेगा, मेरे पास जो कुछ भी होगा 100% इनके आंख के आंसू पोछने का प्रयास करूंगा।
टेक एवरीथिंग लाइट। स्ट्रेस मुक्त होने का पहले नंबर का विकल्प, सेकंड नंबर पाथ ऑलवेज राइट। रिपीट करना चाहूंगा, टेक एवरीथिंग लाइट और सेकंड नंबर पाथ ऑलवेज राइट। इस माहौल के बीच में गलत रास्ते पे कदम रखने का शायद आपको मन होगा। तीन चीज ऐसी है जो गलत रास्ते पर कदम रखने के लिए मन को उकसाती है। नंबर एक, पीड़ा। आपकी डायरी में लिखना है तो लिख देना, ये तीन विकल्प ऐसे कि गलत ट्रैक पर जाने के लिए आपके मन को तैयार कर देता है। नंबर एक, पीड़ा। नंबर दो, प्रलोभन। और नंबर तीन, प्रेम। आपकी परिभाषा में जिनको तुम वासना बोलते हो, पूरी जिंदगी भर तक जितने भी लोगों ने गलत ट्रैक पकड़ा उसको केंद्र में तुम रूट में जाओ तो तीन में से कोई एक दिखाई पड़ेगा, या तो पीड़ा, या तो प्रलोभन, या तो प्रेम। कॉलेज में लड़का गया, लड़की देखी, लड़के के प्रति वो लड़का बोलता है मुझे प्रेम हो गया, और उनके माता पिता जब कुछ भी उनको बोलते कि मम्मी तू समझते नहीं, पिताजी को बोलते समझते नहीं। मैं कभी कभी शायद फिर से मैं कहूँ, मेरी बात आपको न भी बैठे तो क्षमा कर देना, मगर वो लड़के और लड़की को मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ आकर्षण को प्रेम का नाम कभी देने की गलती मत करना। अट्रैक्शन वो लव नहीं हो सकता है। तुमने जिसको प्रेम माना है वो तो एक अट्रैक्शन है, दो पाँच दस पंद्रह मिनट का, घंटे का, दिन का, समय का, या तो वर्ष का। वो अट्रैक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा कि प्रेम नहीं था। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, दो दिन की मुलाकात में, दस दिन की मुलाकात में, दो महीने की मुलाकात में जो लड़के और लड़की अपने माँ बाप को बोलते हैं कि हमारी प्रेम की तू कदर नहीं करती है, हमारी लाइफ हमें बनाना है, मैं इतना ही कहूँगा, वो लड़के लड़की को दो महीने के प्रेम की कदर माँ बाप ने नहीं की। 20 साल तक वो माँ ने तुझे प्रेम किया, तूने कितनी कदर कर दी। जन्म से लेकर 20-20 साल तक इस माँ ने तुझे संभाल लिया, वो पिताजी ने तुझे संभाला, ड्रेस मांगा तो ड्रेस दिया, मोबाइल मांगा तो मोबाइल दिया, कि स्कूल में जाना तेरे हाथ में नहीं था, तेरे माँ बाप ने अच्छी स्कूल पसंद की, फी अच्छी पसंद की, सब कुछ दिया, और वो लड़के और लड़की सीधा माँ बाप पर ब्लेम करते हैं, हमारे जीवन की तुम्हें पड़ी नहीं है, क्या किया तुमने मेरे लिए, प्लीज ये गलती का पाप कभी जिंदगी में मत करना। स्ट्रेस मुक्त होना है तीन चीज, पाथ ऑलवेज राइट। मैं दिल्ली में गया और दिल्ली में भगवान की कृपा से एक अच्छा अधिपति जय घोष मां की अनंत कृपा और जीत के निकल गया, क्योंकि मैंने कभी गलत ट्रैक पकड़ा ही नहीं। मेरे पास अच्छे रिजल्ट के लिए पेशेंस काफी था, अच्छे रिजल्ट के लिए पेशेंस काफी था। एक सेक्स एजुकेशन को बंद कराने के लिए 3.5 साल लग गए, ओनली वन इश्यू, मगर गलत ट्रैक पर जाकर के मैंने कभी अपने को बचाने का प्रयास कभी नहीं किया। मैं आपकी बात नहीं करना चाहता हूं, मुनि जीवन भी जोखम में हो सकता है, पीड़ा, प्रलोभन और प्रेम के नाम से। हमारे वहां लब्धि नंदी शयन का पतन हो गया, हमारे वहां अषाढ़ापति मुनिवर का पतन हो गया, 1000 साल के दीक्षा प्रिया वाले कंड्रिक मुनिवर का पतन हो चुका, मां वैरागी अरणिक मुनिवर का पतन हो चुका, पूरा इतिहास मेरे सामने है। भगवान महावीर का खुद का आत्मा मरीचि 3रे भव में मुनि जीवन छोड़ के बेटा, वो पीड़ा से गया, ये प्रलोभन से गया, मगर गलत ट्रैक पे जाने का मन तीन को छोड़ के और चौथा कोई रास्ता नहीं, या तो पीड़ा, या तो प्रेम, या तो प्रलोभन, प्लीज रुक जाओ।
लखो तो तमारी डायरी में लखो, थोड़ूक जोया करजो, थोड़ूक जोया करजो, थोड़ूक जतु करजो अने थोड़ूक जाते करजो, जिंदगी जीवबा जेवी लागशे। फरी वार कहू, थोड़ूक जोया करो, थोड़ूक जतु करो अने थोड़ूक जाते करो, जिंदगी जीवबा जेवी लागशे। पूरा का पूरा महाराष्ट्र, 5 फिगर में कोरोना के केस आ रहे हैं। गुजरात में टेंशन है, पूरे भारत में टेंशन है। एक बात बताना चाहता हूं, छाता हाथ में रखने से आसमान से बारिश गिरना बंद नहीं हो जाता है। छाता हाथ में रख करके बाहर निकलने में आसमान से बारिश गिरना बंद नहीं हो जाता है। वैक्सीन शायद तुमने ली होगी, तुम बाहर घूमेंगी, इसलिए कोरोना आपका मित्र बनने के लिए नहीं बैठेगा। बारिश तो गिरेगी ही, छाता थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्शन देख सकता है। इट इज द बेटर कि घर में रहो। भयंकर है कोरोना का माहौल, उनको निग्लेक्ट करने की गलती कभी मत करो। और ऐसे भी मैंने लोग देखे, गुरुजी में कोरोना का मानता ही नहीं, बोलो ऐसे भी पागल है आज। मेरी शिविर थी ना राजकोट में, एक लड़का मुझे मिलने के लिए, रामायण पर मेरा प्रवचन चलता था। तीसरे प्रवचन में एक लड़का मुझे मिलने के लिए आया, उसने बोला गुरुदेव मैं तो राम को मानता ही नहीं। मैं बोला रावण भी नहीं मानता था, राम को मैं मानता नहीं, रावण भी नहीं मानता था, फिर भी मर गया वो। कोरोना को नहीं मानता हूं, तेरे मानने नहीं मानने से कोरोना तेरा मित्र बन के आएगा, तेरे मित्र तेरे बाप को बचा लेगा क्या? फरी बार एक बार तमारी डायरी में लखी नाखो, अहंकार में त्रणे गया धन वैभव ने वंश। फरी बार अहंकार में त्रणे गया, अहंकार में त्रणे गया धन वैभव ने वंश। विश्वास न पड़तो तो जोई लो रावण कौरव अने कंस। अभिमान में त्रणी गया धन वैभव ने वंश, अने विश्वास न बेसतो तो जोई लो रावण कौरव अने कंस त्रणे गया। फिर से कहूं, चाहे प्रलोभन आपको खींचे, चाहे पीड़ा आपको गलत करने के लिए तैयार कर दे, या अंदर की वासना कहीं ट्रैक बदलने की बात करे, बस उसी टाइम रुक जाना। अने एक गंभीर बात फरी बार कही दो, उत्थान युग मांगे छे, पतन खाली पण मांगे छे। उत्थान आखो युग मांगे छे तमारी आगळ, અને તમારા જીવનના પતન માટે ખાલી એક પળ કાફી છે। એ પળમાં જે પણ ચૂક્યો ગયો, આખી જિંદગીનું ઉત્થાન ખરાશ થઈ ગયું। ફરી માર્કો, ચડવા માટે દરેક પગધીએ સાવધ રહેવું પડે, પડવા માટે એક જ પગધીયું ચૂકો અને સિદ્ધાની છે। દરેક પગધીએ તમે સાવધ રહેશો તો જ તમે ચડી શકશો, પણ પડવા માટે એક જ પગથિયું કાપી અને સીધા નીચે। ચાર જીત સે બચેંગે, મેં ચાર બાત કરના ચાહુંગા, ફિર પ્રવચન કો વિરામ દૂંગા, મગર એક બાત ખાસ ખ્યાલ રખના, આપકે પાસ 3 વિકલ્પ હૈ। નંબર 1 રિક્વાયરમેન્ટ, નંબર 2 ડિઝાયર અને નંબર 3 એમ્બિશન।
कोरोना का माहौल जब तक चलता है तब तक एक काम करना, एम्बिशन पर कंट्रोल कर देना। जरूरियात, इच्छा और महत्वाकांक्षा, रिक्वायरमेंट एनो अर्थ जे जरूरियात, डिजायर नो अर्थ जे इच्छा और एम्बिशन नो अर्थ जे महत्वाकांक्षा। होली रमवानी महत्वाकांक्षा रण प्रदेश में खोटी है। कोरोना ना आ माहौल में लग्जरियस आइटम वसावानी तमारा मानसिकता हो कोईपण उटी फरवा जेवु छे, काश्मीर फरवा जेवु छे, घणा वक्त माथेरा नथी गयो, महाबळेश्वर नथी गयो। शांति राखो, पॉसिबल हो त्या सुधी अत्यारे क्या एम्बिशन ने तमे टॉप प्रायोरिटी ने आपो, कंट्रोल करो, बहु बची। तमने एक बात कही दू, पापनी सौथी मोटी सजा पाप तमारा अंतकरणनो पीछो न छोड़े ते। तमारी डायरी में लखो तो लखी नाखजो, पापनी सौथी मोटी सजा कर्म प्रकृति जारे करशे त्यारे करशे, पर तमारा अंतकरणनो पाप पीछो न छोड़े, सौथी मोटा मोटी सजा छे। रातना 12 वाजे अंधारामां कोईने खबर नहोती पड़ी एवुं तमे करेलुं पाप ए तमारो पीछो नहीं छोड़े। जेवा तमे निवृत्त थयेला तरत ए पाप आंख सामे सरर, आमे क्या गणो। पापनी सौथी मोटी सजा पापीने आ मळे छे, एनो पाप पीछो नथी छोड़। दो बिकॉज स्ट्रेस मुक्त होने के लिए वी आर किंग। तुम ये मानते हो 54 साल के दीक्षा जी में प्रसंग बहुत कुछ आए, बहुत कुछ आए पाप छोड़ने का, गलत ट्रैक पकड़ने का, गुरुदेव की कृपा से रुक गए? नहीं, ये जोखम कभी नहीं करना। मैं बताऊं, शॉर्टकट हमेशा थ्रॉटकट बना रहता है, शॉर्टकट हमेशा लिए थ्रॉटकट बना रहता है। सफलता के लिए जितने भी शॉर्टकट पकड़ लिया वो थ्रॉटकट हो जाएगा, कभी ना कभी खत्म कर देगा। मैं आज आपको 2-3 बात बताई। कोरोना का माहौल में ऊर्जा, उत्साह और उत्तम तीन को बचा लेना। आपकी शरीर की ऊर्जा को डिस्टर्ब मत करना। हालत कैसी होती तुम लोगों की, खाने से तुम्हारा शरीर बिगड़ता है, फिर डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले पूछते हो डॉक्टर खाने का क्या। और एक बात बताऊं, डॉक्टर के पास दवाई लेने के पहले तुम निश्चित पूछते हो डॉक्टर इनका कोई रिएक्शन तो नहीं ना, पूछते हो ना। कई लोगों पूछते वैक्सीन का रिएक्शन तो नहीं, कई लोग पूछते इनका रिएक्शन तो नहीं। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर दवा डॉक्टर कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन ले दे, सबसे पहले आप प्रिस्क्रिप्शन जानो नहीं जानो, पहचानो नहीं पहचानो, आपका एक प्रश्न होगा डॉक्टर इनका कोई रिएक्शन तो नहीं है ना। आज मेरे जैसे या तो किसी डॉक्टर को या तो सबको पूछ लो कि गुरुदेव अभी बाहर घूमने में कोई रिएक्शन तो नहीं है ना। दवा लेने में रिएक्शन का ख्याल होता है, मगर बाहर निकलने में रिएक्शन कोई है कि नहीं, पूछा तुमने कभी? आज सबसे बड़ा रिएक्शन बाहर निकलना है, अंदर रहो शांति से। एक आदमी डॉक्टर में गया, डॉक्टर पूछा स्वास्थ्य कैसा है, डॉक्टर बहुत अच्छा, 6 महीने से एकदम टॉप चल रहा है। तब उसने डॉक्टर साहब आपने 6 महीने के लिए मिष्ठान नमकीन सब खाने का ना बोला था, 6 महीना हो गया मैंने कुछ नहीं खाया, स्वास्थ्य एकदम अच्छा हो गया, अब खाने का कब से शुरू करूँ? डॉक्टर ने बोला फिर यहाँ आने का मन हो तो शुरू कर देना जल्दी। जब भी आपको लगे फिर डॉक्टर के पास जाना है तो बस कल से ही शुरू कर दो, फिर आते रहो यार। मिष्ठान खाने में रिएक्शन देखना है, दवा लेने में रिएक्शन देखना है। और आज के इस माहौल में मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट, चाहे नरेंद्र भाई मोदी चाहे हर डॉक्टर बोलते प्लीज प्लीज घर में रहो, मेरे जैसा साधु भी बोलता है प्लीज घर में रहो, और तुम बोलते रिएक्शन को मारो गोली। कई लोग तो ऐसे भी है, गुरुदेव दुनिया को सब कुछ होगा
मुझे कुछ कुछ नहीं होगा। हाँ आवा पण घणा छे ने लईने बेटा जे अहंकार, हवे आने तो आपणी आगळ तमने खबर छे बे दोष, एक गुण अने एक दोष, बन्ने जगत में सबथी टॉप पर चाले छे एनी बात मारे करवी छे। पण आजे घड़ियाल छाड़ानो दिखाड़े छे એટલે આપણે અટકીએ। આપખો સબ્જેક્ટ અનુકૂળતા હોય, આવતીકાલે પણ તમારા મિત્રને, તમારી પત્નીને, તમારા બાળકોને પણ એકવાર બેસાડો। તમે ધર્મને ઉંમર સાથે ગોઠવી દીધો છે ને, બહુ ભૂલ કરી છે। હા 8 વર્ષનો છોકરો ઉપવાસ કે ઉપવાસ કરે તો પૂછે આ ઉંમરે ઉપવાસ, અને 4 વર્ષના બાબાના હાથમાં મોબાઈલ આપી દો ત્યારે કોઈ પૂછે આ ઉંમરે મોબાઈલ, સાહેબ આપવો પડે, એડવાન્સ ટેકનોલોજીમાં સમયની સાથે ચાલવું પડે। ઠીક છે, આ બધી વાતો પછી કરશું, પણ કાલે 2 સબ્જેક્ટ, 4 સ્ટેપમાંથી 2 સ્ટેપ આજે મેં કહી દીધા। નંબર 1 ટેક એવરીથિંગ લાઇટ, નંબર 1 સેકન્ડ પાથ ઓલવેઝ રાઇટ, નંબર 2 3 ઓર 4 વિકલ્પ શ્રેષ્ઠતમ વિકલ્પ હે, ઉનકી બાત कल ठीक 8:30 बजे।